इसराइली युद्ध के 26 दिन बीत जाने के बाद मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। इसमें करीब 1,500 लोग इसराइल के हैं। लेकिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि इसराइल अब ना रुकेगा और ना ही झुकेगा। उसका ऑपरेशन गाजा में तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो हमास का वजूद नहीं मिटा देते। हालांकि इसराइल अब तक हमास की लीडरशिप को कोई बड़ा झटका नहीं दे पाया है और इसीलिए इसराइल ने गाजा को बांटकर दो टुकड़े करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा में मौत का हाईवे तैयार हो चुका है। गाजा में आगे मौत, गाजा में पीछे मौत, गाजा पर चारों तरफ मौत ही मौत मंडरा रही है। गाजा इस वक्त जान बचाने के लिए कौन सा विकल्प चुने उसे समझ में नहीं आ रहा। वो बस किसी आश्रय की तलाश में है। इजरायली सेना का प्लान नेतन्याहू ने मंजूर कर दिया है। इजरायल की पूरी तैयारी है। अब गाजा हाफ और हमास साफ। दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में इस वक्त 24 घंटे धमाके हो रहे हैं क्योंकि इसराइल हमास से बदला लेना चाहता है और नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि गाजा को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन गाजा को मिट्टी में मिलाने से पहले गाजा को बांटना पड़ेगा, ये नेतन्याहू को इसराइल के कमांडरों ने बताया है। अब पूरे इसराइल का टारगेट है गाजा हाफ और हमास साफ। लेकिन ये होगा कैसे? हमास को काबू में करने के लिए गाजा के चारों तरफ इसराइल की मोर्चाबंदी है। गाजा और इसराइल के बीच बनी बाड़ और दीवार की दूसरी तरफ इसराइल के टैंक तैयार हैं। ये रात को गाजा में घुसपैठ करते हैं और सुबह से पहले ऑपरेशन करके लौट आते हैं। लेकिन अब तक इसराइल की फौज गाजा में टिक कर नहीं लड़ी है, इसलिए नेतन्याहू के कमांडरों ने उनको एक बहुत खतरनाक प्लान बताया है। इसराइल अब गाजा को दो हिस्सों में बांट देना चाहता है। इसके लिए गाजा के बीच से गुजरने वाले सला अल दीन हाईवे पर इसराइल की फौज कब्जा करना चाहती है। ये एक तरह से गाजा की लाइफलाइन है और हमास की मूवमेंट यहाँ बहुत ज्यादा रहती है। ये हाईवे 45 किलोमीटर लंबा है और अगर इस हाईवे को काट दिया गया तो हमास की ताकत भी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। यहाँ तक पहुंचकर इसराइल के टैंक हमास की ताकत को आधी तो खत्म कर ही देंगे, ये भरोसा इसराइल की सेना ने नेतन्याहू को दिया है। इसराइल ने अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स तैनात कर दिया है। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा रेगुलर आर्मी है, यानी 5 लाख से ज्यादा सैनिक इसराइल के युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध का एपिसेंटर गाजा है और अगर गाजा के हाईवे को काटा जाता है तो हमास को बड़ा झटका लग सकता है। गाजा को हाफ और हमास को साफ करने का प्लान बहुत खतरे वाला है। इसराइल जानता है कि हमास ने उसके कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मिसाइल मारकर उड़ा दिया है। लेकिन इसराइल ये खतरा उठाना चाहता है क्योंकि हमास की सुरंगों को लेकर तो उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह से फेल हो चुकी है और यही वजह है कि इसराइल के विमान लगातार गाजा में बेतरतीब बमबारी कर रहे हैं। और इस वक्त गाजा में जहां बम गिर रहा है वहां इमारत पूरी तरह ढहती जा रही है और इसी मलबे में बहुत सी लाशें अब तक दबी हुई हैं। बमबारी के बाद अस्पताल में अचानक ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। गाजा की 20 लाख की आबादी में 10 लाख बच्चे हैं और सबकी जान खतरे में है। लेकिन इसराइल का मकसद इस वक्त हमास का सफाया है। इसराइल और हमास का युद्ध महीनों तक चलने वाला है, ये हम नहीं कह रहे हैं। खुद बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर की बातों को खारिज कर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमास की लाश देखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने सबसे खतरनाक प्लान को मंजूरी दे दी है। और
और इसीलिए नेतन्याहू सीज फायर की बातों को खारिज कर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमास की लाश देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सबसे खतरनाक प्लान को मंजूरी दे दी है, यानी गाजा हाफ और हमास पूरी तरह साफ। हमास के खिलाफ सबसे खूनी ऑपरेशन चलाने के लिए गाजा पर अब तक कई ऑपरेशन इजराइल की ओर से चला दिए गए हैं और ऐसे में अब अपने फेज टू ऑपरेशन में घुस चुका है इजराइल। तो ऐसे में आपको बता दें कि इजराइल की सेना लगातार हर दिन अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। इजराइल का यह ऑपरेशन हमास की पकड़ को कमजोर करने के लिए होगा। इजराइल दरअसल चाहता है कि गाजा की सबसे बड़ी सड़क पर कब्जा करके वो हमास की आधी ताकत छीन ले। और ये देखिए, सबसे बड़ी सड़क यहां पर बताई जाती है जो कि इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद है, और गाजा में ये सड़क है सलाह अल दीन रोड। ये हाईवे गाजा के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है और उत्तर में इजराइल के साथ एरिस क्रॉसिंग है और दक्षिण में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग है। तो ये 45 किलोमीटर लंबा हाईवे गाजा में हर मूवमेंट का सेंटर माना जाता है और यही वजह है कि इसको बहुत अच्छे से तोड़ देना चाहता है इजराइल, ताकि जो पूरी पकड़ है वो उसके हाथों में आ जाए। और यहां तक अपने टैंक तैनात करके इजराइल इस हाईवे को काट देना चाहता है। और इस हाईवे पर जो जगह इजराइल के बॉर्डर के सबसे ज्यादा करीब होगी, वहां पर पहुंचकर इजराइल की सेना हाईवे को काट सकती है। तो आप देख सकते हैं खान यूनिस ये इलाका जहां पर कई हमले अब तक उसकी ओर से किए जा चुके हैं, और ये वही सड़क है जो सीधे उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से गाजा की जोड़ती है, जिसको तोड़ना चाहता है, कमजोर करना चाहता है इजराइल, और वो पूरे गाजा को पश्चिम की तरफ धकेल देना भी चाहता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान आबादी का दबाव कम हो जाए और इजराइल की सेना खुल्लम खुल्ला युद्ध लड़ सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा हाफ होगा तो हमास पूरी तरफ साफ होगा, तब आधे गाजा पर पूरी तरह इजराइल का कब्जा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 45 किलोमीटर लंबे सलाह अल दीन हाईवे पर कब्जे से क्या हमास की ताकत खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि गाजा के बीचों बीच पहुंचकर इजराइल की सेना बुरी तरह फंस सकती है, और इसीलिए उसने अपनी पूरी टैंक फोर्स गाजा के आसपास एक्टिव कर दी है। वैसे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि हमास को इस बारे में पता चल गया है और उसने अपने एंटी टैंक दस्ते भी यहां सक्रिय कर दिए हैं। इसराइल का 2005 तक गाजा पर कब्जा रहा है और उस दौरान भी उसकी सेना इस सलाह अल दीन हाईवे को ऐसे ही कंट्रोल करती थी। यानी इसराइल की सेना के पास इसका अनुभव है कि एक बार हमास की मूवमेंट को खत्म कर दिया तो हमास का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अब सबकी निगाहें गाजा के इस हाईवे पर है, जिसे लेकर इसराइल की सेना पहले भी वार्निंग देती रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 13 अक्टूबर को इजराइल की वार्निंग के बाद लाखों लोग गाजा के उत्तरी इलाके को छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग रहे थे। तभी इजराइल की मिसाइल गिरी और एक बार में 70 लोग मारे गए। तब इजरायली सेना ने सुबह 8:50 पर ट्वीट करके कहा कि उत्तरी गाजा के लोग अपना इलाका खाली करके दक्षिण की तरफ चले जाएं। इसके लिए इजरायल ने 24 घंटे का वक्त दिया, यानी गाजा के 10 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर किसी भी तरह पलायन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। 10 लाख लोगों के सामने 24 घंटे, ना कोई नया ठिकाना, बस जान बचाकर किसी तरह भाग जाना है। यानी नेतन्याहू जानते हैं कि यही हाईवे है जिस पर कब्जा होने के बाद इजराइल का हाथ हमास की गर्दन पर होगा। वैसे ये युद्ध कब तक चलेगा अभी कोई नहीं जानता। इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन गाजा में हमास को खत्म करना तक मुमकिन नहीं जब तक इजराइल गाजा में ना सिर्फ जमीन पर कार्रवाई करे बल्कि उस पर पूरी तरह से कब्जा न कर ले और हमास के ठिकानों को अपने कंट्रोल में ना ले ले। लेकिन ऐसा करने में गाजा के 20 लाख लोगों की जान मौत की चौखट पर बनी रहेगी, और यही बात पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। من احداث داميه مستنكره اعتداءات العدوان الاسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشيه ودمار ومحاولات التهجير القسري। अभी तक जब भी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ है,
तब तब इसराइल की सेना के हमले में 10 गुना फिलिस्तीनियों की जान गई है। इस बार हमास के हमलों में इसराइल के 1,400 लोगों की जान गई है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इसराइल की बमबारी कब रुकेगी। ये बात इसलिए डराती है क्योंकि इसराइल ने अब हमास के खत्म होने तक युद्ध करने की बात कही है, और अगर ऐसा हुआ तो गाजा पूरी तरह बेमौत मारा जाएगा।